हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एसी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल सच दैट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर। देखिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ए सी 15 सेंटीमीटर। एक वर्ग और त्रिभुज में एक वर्ग इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके शीर्ष में से एक त्रिकोण के शीर्ष के साथ समपाती है, यानी एक वर्ग ऐसा बनाया जाता है कि इसका एक वर्टेक्स और उसका एक वर्टिसेस से मिलता हो, कॉमन, तो ये एक कॉमन है। तो वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये एक मतलब 30 सेकेंड में बन जाएगा, तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे फॉर्मूला कि जो साइड ऑफ स्क्वायर होता है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर, जब ट्रायंगल के अंदर कोई साइड स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट बाई बेस प्लस हाइट। तो फ्रेंड्स, बेस इंटू हाइट, तो सबसे पहले हमको ये बेस निकालना होगा। ये बेस निकालने के लिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यानी 9 सेंटीमीटर हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा साइड ऑफ स्क्वायर हो गया 9 सेंटीमीटर, तो नहीं साइड ऑफ स्क्वायर 9 सेंटीमीटर नहीं, वो हमारा बेस हो गया 9 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का साइड हो जाएगा बेस 9 इंटू हाइट, हाइट ये हमारा 12 है, बट बेस हमारा कितना होगा 9 प्लस 12, तो ये हमारा हो जाएगा 108 बटे 21। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 108 बटे 21, तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, ये कटेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 336 बटा 7, तो हमारा स्क्वायर का साइड हो गया 36 बटा 7। तो हमको क्या निकालना है, संभव क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या होता है साइड इंटू साइड, तो 36 बटा 7 गुना 36 बटा 7, तो 36 का स्क्वायर दोस्तों निकालना है। तो हमारा आप पहले का वीडियो जान देखे होंगे, तो उसमें स्क्वायर निकालने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 18 दुने 36 और 3 39, 3 और 3 तिर 9, 3 1296 बटे 7 का स्क्वायर 49, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से,
तो आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से भी देख लेते हैं। हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड में ये जो स्क्वायर है इसका साइड हम लोग ए मान लेंगे, और ये जो है पूरा नाइन है, तो हमारा ये इतना जो है ये नाइन माइनस ए होगा, नाइन माइनस ए होगा। तो दोस्तों देखिए ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से ये एंगल जो है इसके लिए हम लोग टेन थीटा लिखते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी। तो पी बाई बी, तो इस एंगल के लिए पी कितना है? 12। ये 12 वाला ट्रायंगल की बात, 12। और इसके लिए बेस कितना है? ये टोटल 9 है, बटे 9। ये इक्वल होगा। अब इस छोटा सा ट्रायंगल के लिए, ये छोटा ट्रायंगल के लिए हम लोग देखेंगे, इसके लिए हमारा जो परपेंडिकुलर है ये होगा ए, और बट्टा इसके लिए ये बेस होगा 9 माइनस ए। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये कट जाएगा, 3 3 के 9, 3 4 के 12, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 ए इक्वल टू 3 ए। तो ये 36 यहाँ आ जाएगा, 3 ए प्लस 4 ए इक्वल टू 36 बाई 7 इक्वल टू ए। तो हमारा 36 बाई 7 क्या होगा? ये हमारा ए, यानी ये जो है ये साइड हो गया स्क्वायर का। तो एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 36 बाई 7 इंटू 36 बाई 7। तो अभी हम लोग निकाले थे 1296/49, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।